आंखें बंद करो बिलाल भाई, तुमने जिंदगी में इतनी बड़ी बिल्डिंग कभी नहीं देखी हो। भाई मॉल आने के बाद यहाँ लाजिम है। मुश्किल है कि ये वहाँ पे सो पाएं, काफी रातें नहीं सो जाए, एक हफ्ता प्रॉपर सोएंगे, फिर जैसे ही एक दिन आंख खुलेगी रात में उठेंगे दुबई। इस टाइम हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल के अंदर, यहाँ से एंट्रेंस है, आप रोड के उस साइड पे पार्किंग लगाएं और यहाँ से चले जाएं। बिलाल साहब को हम घुमाने आए हैं क्योंकि इनका लास्ट डे है, कल ये दुबई से रवाना हो जाएंगे। लाइफ में पहले टाइम दुबई मॉल में आ, यादगार रहेगा, यादगार रहेगा। दुबई मॉल को विजिट करते हैं, उसके बाद में हम लोग जाएंगे बुर्ज खलीफा देखने के लिए आउटसाइड। कैसे साजिद मलिक, क्यों बिलाल भाई? सेंटर में ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा रेस्टोरेंट है, इस बैक के एंट्री में यहाँ रेस्टोरेंट है ये पूरा। मलिक यस बिलाल भाई, हाँ यार बहुत जबरदस्त, यहाँ का माहौल ही बहुत जबरदस्त है। अच्छा बात सुन, ये देख स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में इन्होंने ये पैराग्राफ सिर्फ रेस्टोरेंट का बनाया हुआ है, इस रेस्टोरेंट में बिलाल भाई अगले साल आके खाना खाएगा। ऐसा ही है भाई। बिलाल है यार, जबरदस्त यार। बिलाल भाई वन एंड ओनली पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा यहाँ फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई मॉल आने के बाद यहाँ लाजिम है, कहीं जाए ना जाए यहाँ लाजिम है। ये पॉइंट अपनी फेवरेट लिस्ट में या हिट लिस्ट में बना देना चाहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं अबू धाबी घूमा हूँ और ये दुबई मॉल, और अब हम यहाँ से जाएंगे बुर्ज खलीफा और बहुत मज़ा आया यहाँ पर बहुत ज़्यादा। वैसे बुर्ज खलीफा के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से देखेंगे कैसे। बिलाल भाई बिल्कुल राउंड अबाउट के बीच में आप आ चुके हैं, बिल्कुल राउंड अबाउट के बीच में सेंटर। गुची के मेल्स के लिए नहीं, फीमेल्स के लिए है। क्या ढूंढ रहा है क्यूरियम? एक से एक बंदा देखते ही रह जाए। हाँ बिलाल भाई कमाल भी है। आपने जिगरा है तो जिगरे जिगरे की बात है, लेकिन यार एक्वेरियम कमाल है। बीच के अंदर से एक लाइन जा रही है जिसकी पे है, उसके बाद उससे एंट्री लोगे, उसके पैसे प्रीमियम। कजान बुराक इतनी टिकटॉक की पावर, जिसने दुबई मॉल के अंदर इसको रेस्टोरेंट बना के दे दिया। कभी कभार एप्लीकेशंस की भी पावर इतनी हो जाती है। कैसे साजिद? एब्सोल्युटली राइट। बिलाल भाई आप भी टिकटॉक पे फेमस हो, छोड़ो वहाँ जाके 24 आवर टिकटॉक बनाओ। एंटर होने जा रहे हैं दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग देखने को, दोनों चीजें यही देखिए। तो हम नजीम के साथ अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। बिलाल भाई लुक एट, आंखें बंद करो बिलाल भाई, तुमने जिंदगी में इतनी बड़ी बिल्डिंग कभी नहीं देखी होगी। आप देखो वाह, दो 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 दो। भाई दुनिया में तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? दुनिया भर से यहाँ पे लोग आए हैं और मैं भी यहाँ फाइनली आ चुका हूँ पहली बार। लेकिन एक बात है बिलाल भाई, जिंदगी में तुमने कभी नहीं देखी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी आँख पे हाथ रखा और मैंने कहा मेरा बच्चा पहली दफा बुर्ज खलीफा को देखे। ईद पे कौन सा गाना चला था? ईद पे बिलाल भाई आपको आगे।
तो ऐसा चल रहा है जैसे सस्पेंस होने वाला है, यहाँ पे कोई आने वाला है, बहुत खतरनाक करिंदा कोई है। Mr. Bilal has spent 1.5 lakh just to see this mountain view. Now he is going back again in the Chicago. So how you are feeling, Mr. Bilal here? So live report from 106.2 FM. Rotating. जान हमारे बिलाल भाई ने बुर्ज खलीफा देख लिया, ये जो आज का ब्लॉग था और आज का आना था ये सिर्फ हमारे बिलाल भाई के लिए था, क्योंकि बिलाल भाई को बुर्ज खलीफा भी दिखाना था और पानी वाला डांस भी दिखाना था। नदीम भाई को जाता है जो मुझे यहाँ पे लेकर आया। लेकिन ये है कि यार दोस्त पहुँचे आपके तो उनको घुमाओ, दुबई विजिट करवाओ, बाकी नसीब है, काम लगे ना लगे वो नसीब की बात है। तो मेरी जान हमारे साथ साझा और थे। अब जो ये बिलाल भाई अमारात को देख के जा रहे हैं, अब इनकी नींदें उड़ गई हैं, अभी वापस नहीं आने वाले, वापस आने वाले सॉरी। मुश्किल है कि ये वहाँ पे सो पाए काफी रातें, नहीं सो जाए, एक हफ्ता प्रॉपर सोएंगे, फिर जैसे ही एक दिन आँख खुलेगी रात में उठेंगे।